अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं चिकन कोफ्ता बनाने वाली हूँ। मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, 2 बड़ा प्याज और 1 टमाटर को मैंने अच्छे से पीस लिया है बारीक। चलिए पहले कोफ्ते की तैयारी करते हैं। आधा प्याज, 2 हरी मिर्ची मैंने काट के रखा था वो उसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी डाल देंगे। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून से भी कम है हल्दी, सेम क्वांटिटी लाल मिर्च भी लेंगे। ये चने का आटा है, तीन टेस्पून डाला है मैंने। ये कोथमीर कट करके रखा है मैंने, ये थोड़ा डाल देंगे। आधा टीस्पून नमक, 1 नींबू का रस है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे गोल गोल आकार में कुछ इस तरह का मैंने बना लिया है। अभी तेल गरम करेंगे, इसको हल्का फ्राई भी करना है। चलिए तेल गरम करते हैं। तेल मैंने गरम करने को रख दिया है, तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। आराम से डालें। फ्राई हो चुका है, अब निकाल लेंगे। बस इतना ही फ्राई करना है। दूसरी कढ़ाई मैंने गरम करने को रख दिया है, इसमें मसाला तैयार करेंगे। लिए तेल डाल लेते हैं। एक बड़ा चम्मच तेल डाला है मैंने। तेल गरम हो चुका है। ये कुछ मेथी के दाने हैं वो डाल देते हैं तेल में। इसके बाद प्याज, पिसा हुआ प्याज और टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर, हल्दी ये भी आधा टीस्पून है, दो टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला डाला है मैंने। आधा टीस्पून नमक, मसाले को अच्छे से भूनेंगे।
मसाला हमारा भून चुका है, 15 मिनट लगा है इस मसाले को भूनने में। मैं जो कोफ्ता फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे इसमें। आधा ग्लास के आसपास पानी डाल देंगे इसमें। थोड़ा हरा धनिया, बस 2 मिनट ढक के और पकाना है सिलो में। कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है, चलिए अब सर्व कर लेते हैं। आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइए कैसा बना है। मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।